अरे बचा सके तो आज लदीसी आकर लाज बचा ले रे, तेरी बहन का तीर खेचता मोहन मुरली वाले रे, तेरी बहन का तीर खेचता मोहन मुरली वाले रे। बचा सके तो आज लदीसी आकर लाज बचा ले रे, तेरी बहन का तीर खेचता मोहन मुरली वाले रे। भगवान कृष्ण से टेर लगाती है, कहने लगी तेरा बचपन का साथी सुदामा ब्राह्मण है जो गुरु आश्रम के अंदर है। बचपन में दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद तू द्वारकापुरी का राजा सुदामा दरदरी भिखारी जिसके घर में खाने तक के टोटे, लेकिन अपने प्रेमी यार सुदामे की प्रीत तने निभाई।
मीरा पूरे संसार को त्याग कर तेरे नाम पर दीवानी हुई थी। मेवाड़ी राणा ने मारना तक का प्लान बनाया था, लेकिन साथी तू था। जहर का अमृत बनाने वाला तू था, सर्पों का नौसर हार बनाने वाला तू था, और सूल सेज की फूल सेज बनाने वाला तू था। तो बता आज मेरी बेड़े कठे जाएगो, मेरी भी लाज बचानी पड़ेगी। अगर तेरे नाम को रटती रटती मैं सभा में नग्न हो जाऊंगी, संसार में तेरा कोई भगत विश्वास नहीं करेगा। यानी सजनों, जब द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहकर के पुकारती है, उधर से दुर्योधन की बढ़ती आग में कृष्ण तेले ढूंढ जाता है। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी सोच बात ने, तू कुण के पास दीवानी भरी से, कृष्ण तेरी लाज नहीं बचा सकता। क्यों? कुल का हीणा जात का कमीना, कहां उसका जन्म और कहां उसका पालन पोषण है। जो गाय चरा कर टाइम पास करता है, जनाना रूप बना बना करके गोपनियों के साथ में नाचता है, गुजरों का दही चोर चोर के खाता है, वो मेरी सभा में नहीं आ सकता और आने के बाद यहां से जिंदा नहीं जा सकता। उधर से भीमसेन कहने लगा, दुर्योधन भाई साहब, पांचों भाई हम तेरे सामने बैठे हैं, गाली हमको निकाल सकता है, कोई नाराजी नहीं। द्रौपदी तेरे सामने खड़ी है, इसको चाहे नगन कर चाहे कत्ल कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मधुसूदन भगवान के नाम को कुल का हीणा जात का कमीना एक दफा तो कह दिया है, दोबारा कह देगा तो मेरे बर्दाश्त नहीं होगी। तो भीमसेन दुर्योधन से कहने लग जाता है, अरे भीमसेन न्यू बोला गरज के, जो बिजली गरजे गन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में। ओ भीमसेन न्यू बोला गरज के, बिजली चमके गन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे बैठना चाहे उसी जांग ने तोड़ेगी, जो जांग ने बैठना चाहे उसी जांग ने तोड़ेगी। कब सी तेरा सर फोड़ेगी नू सोच रहा मेरे मन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में। ओ भीमसेन यूं बोला गरज के, बिजली चमके गन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, ओ दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन। भाई के सत बचनों में हम बंधे हुए हैं सारे, वरना एक मिनट में दिन के तन दिखा दूं तारे, एक मिनट में तुझको तन दिखा दूं तारे, तेरी बोली के जुलम कटारे मेरे छेद घेर दिए तन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में। ओ भीमसेन यो बोला गरज के, निकली चमके गन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या।
अपने भाई दुर्योधन से कहने लगा, दुर्योधन भाई साहब, हम हमारे बड़े भाई के वसनों में बंधे हुए हैं, वरना तेरे को एक मिनट के अंदर मैं दिन में तारे दिखा सकता हूं। तो भीमसेन की धमकी को सुनकर के दुर्योधन दुशासन दोनों भाई उठ करके द्रौपदी का सिर खींचना शुरू कर देते। अब द्रौपदी की एक एक पल बरसों के समान गुजरती है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को एक दफा फिर याद करती है कि दीन बंधु दीनानाथ, अगर मैं तेरे नाम को रटती रटती सभा में नग्न हो जाऊंगी, संसार में तेरा कोई भगत विश्वास नहीं करेगा। तो एक दफा फिर भगवान से टेर लगाने लग जाती है। कहने लगी, अरे मारो खिचर दुशासन तीर आजा गिरधारी, मारो खिचर दुशासन तीर आजा गिरधारी। बारे बैठी है सारी करुण दुष्ट और द्रोणाचारी, दुष्ट और द्रोणाचारी सब बैठ गया रसल गिर आजा गिरधारी।
तेर सुनी रे झट तीर बढ़ायो दुर्योधन को मान गठायो वो तो हार गयो रे बलबीर आजा गिरधारी वो तो हार गयो रे बलबीर आजा गिरधारी यानी सजनो बताया कि भाई क्या दुशासन कर सके सहायक हो रघुबीर दस हजार गज बल गठो गठो ना दस गज चीरे यानी जिसके रक्षक साथी हिमाती भगवान होते उसका संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।